हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं हूं तोशीन, आपकी मैथ्स टीचर। तो चलिए आज हम अपना क्या है आगे का कंटिन्यूशन लेकर जाते हैं, क्या पढ़ाई का। ठीक है, मस्ती मस्ती साथ साथ करते रहेंगे पर पढ़ाई भी जरूरी है। चलिए बच्चे, पिछली दो वीडियोस में हम दो क्या ज्यादा ही हो गया है ना, वीडियोस तो बहुत सारी हो गई है। तो आपने देखा होगा पीछे हम क्या है दो चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा क्या है बड़ा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही तो करने वाले हैं सॉल्व, कौन, आप और मैं। ठीक है, तो चलिए बस हाँ ध्यान ये रखना है कि जो आपको बताया जाए वो आपने ध्यान से सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर एकदम ईजी हो जाने वाला है, एकदम रसगुल्ला हो जाएगा, एकदम चाप खा सकते हो उसको। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? सबसे पहले आप क्या करो, पार्ट्स में समझो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट। जब किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाए, इक्वल टू साइन से जोड़ दिया जाए, वो बन जाती है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा 5x, राइट। 5x पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, जिसमें वन टर्म है, राइट। मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू साइन के साथ जोड़ दिया, इक्वल टू 5 लिख दिया। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इट कैन टेक एनी फॉर्म, ये कुछ भी ले सकते। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व हो रहा हो उसे ही हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन। समझ आया? या मैं कहूं कि जब पॉलिनोमियल्स को इक्वल रख दिया जाता है किसी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के, वो ही क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम लीनियर पे। लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर कहाँ से आया, डिग्री से आया है ना। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यही पढ़ा था हमने, राइट। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। तो जब डिग्री 1 हो जाए तो हम उसे क्या कह देते थे, लीनियर। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या है इक्वेशन में आ गए हैं, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कह देंगे। यानी लीनियर इक्वेशन क्या हो गई बेटा, लीनियर इक्वेशन हो गई जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाए, highest power of variable is 1, है ना। highest power of the variable क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। उसे ही equation को हम क्या कह देते हैं, linear equation। अब देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि degree जितनी होगी उतने ही zeros होंगे polynomial में, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम equation में। तो equation में क्या याद रखेंगे आप, equation में होते हैं roots, या मैं कहूंगी उसे solutions। उसका नाम बदल दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल दिया, क्या, रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी जब पीछे हमने पढ़ा पॉलिनोमियल तो हमने देखा था क्या, मेरे सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे थे, सिर्फ एक ही वेरिएबल में थे कि नहीं थे, है ना। हमने पढ़े थे क्या, डिग्री 2 वाले भी पढ़े थे, 3 वाले भी पढ़े थे, लेकिन सब में या तो एक्स ही यूज हो रहा था, या टी यूज हो रहा था, या फिर y यूज हो रहा था, दोनों एक साथ नहीं आ रहे थे, x और y साथ में नहीं आ रहा था, y और t साथ में नहीं आ रहा था, x और t साथ में नहीं आ रहा था, है ना। तो जब हमारे पास क्या हो जाए, इक्वेशन के अंदर या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल, और वो भी कितने, दो ही वेरिएबल आ जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर दोनों ही वेरिएबल्स की पावर क्या रहने वाली है, 1, क्या रहने वाली है, 1। क्लियर है? इतना समझ में आया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व हो रहा हो, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाए, 1 हो जाए, इन टू वेरिएबल्स मतलब जिसमें 2 वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हो। इतना समझ में आया? चलिए अब इसी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। क्या मैं क्या करती हूँ, हर चीज हमने क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी है कि हम उसके अंदर वैल्यूज बस चेंज करते जाएं और हमें क्या है, नंबर ऑफ हमारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है इन टू वेरिएबल, नोट इट डाउन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैं इक्वेशन को सिर्फ ई क्यू और ऊपर एन से डिनोट करने वाली हूँ थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो आप याद रखिएगा, जहां पर भी ई क्यू लिखा जा रहा है इसका मतलब है इक्वेशन, राइट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ax plus by plus c equals to 0। समझ में आया?
जहां पर ए बी और सी आपके कैसे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक्स और वाई क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चेंज करते जाए तो हमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस मिलती जाएंगी, तो फिर ये कॉन्स्टेंट कैसे हुए? तो समझो कॉन्स्टेंट कैसे हुए बेटा, ये क्या है, एक टाइम पे कॉन्स्टेंट है, राइट। इनकी वैल्यू अगर मैंने एक बार चेंज कर दी तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया, ए को 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया एंड सी को दे दिया चलो 1, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, ये बन गई x plus 2y plus 1 equals to 0, बन गई, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 1 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आया समझ में। बट x और y की वैल्यू जितनी बार मैं चाह सकती हूँ उतनी बार ही चेंज कर सकती हूँ, समझ में आया। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो एक पॉइंट पे जाके कॉन्स्टेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो क्या है एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, या मैं कहूं कि ऐसे कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू क्या है एक पॉइंट पे चेंज हो जाती है, और वो पॉइंट क्या है वो हम डिसाइड करते हैं कि कब करना है, राइट। वो एक ही पॉइंट पे चेंज होगी लेकिन जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या है हम हर बार उसी सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन जैसा ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एबीसी की वैल्यू मैंने दे दी उसके बाद मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ, राइट। लेकिन हाँ अगर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज करना है तो जितनी बार भी मैं चाहूँ कर सकती हूँ, कोई चेंज नहीं है, कोई उसमें डाउट नहीं है, राइट। तो ऐसे कॉन्स्टेंट जो कि आपकी क्या है स्टैंडर्ड चीजों में या स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन में यूज होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके सॉल्यूशंस की, राइट। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया क्या होता है जीरो, वो हमने पहले पढ़ा, जीरो को ही नाम बदल के हमने क्या कह दिया, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, राइट। इस केस में जहां पर आपके दो वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं वहां पर हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन रिकॉल करो क्या था, मैंने जीरो को नाम दे दिया सॉल्यूशन, तो जीरो क्या था पॉलिनोमियल में, जीरो क्या था, जीरो एक ऐसी वैल्यू थी वेरिएबल की जिस पे क्या हो जाता था पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था, राइट। अब यहां पर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर सॉल्यूशन का मतलब होगा जहां पर आपके पास आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए किसके, राइट हैंड साइड की, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो कैसे, मान लीजिए मैंने क्या किया आपके पास ये लिखा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल जीरो, ये इतना आया। अब यहां पर आपका LHS क्या है, आपका LHS है जो आपके इक्वल टू के इधर है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर है। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन डिसाइड करता है, ये इक्वालिटी का सिंबल, राइट। ये जो इक्वालिटी के लेफ्ट में आता है वो आपका LHS है, इसके जो राइट में आता है वो RHS है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई, यानी दोनों वेरिएबल, जरूरी नहीं है हर इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक्स और वाई ही होगा, आप कुछ और वेरिएबल्स भी ले सकते हो, एफ पी पी क्यू एनीथिंग ऑफ योर विश, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिस पर आपका क्या हो जाए LHS बराबर हो जाए किसके, RHS के। अब ये कैसे हो सकता है, लेट्स ट्राई। मैंने क्या किया, जो आपको मैंने एक इक्वेशन दी थी क्या x plus 2y plus में 1 equals to 0, इसका क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, ये 0 के इक्वल बनाना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, अगर देखिए मैं क्या कर दूं, x को ले लूं माइनस वन और y को ले लूं क्या 0, एंड लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन, क्या आएगा बेटा, ये तो जीरो बन गया, माइनस वन प्लस वन जीरो। नाउ लुक एट दी राइट हैंड साइड, क्या ये जीरो है, यस इट इज जीरो, अंडरस्टूड। तो ये वैल्यूज अब ये क्या है, और आपको मैंने क्या करवाया था, आपको अगर याद हो नाइन्थ क्लास में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि जब x और y दोनों वैल्यूज एक साथ लिखी जाती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट्स, राइट। और कोऑर्डिनेट्स लिखने का भी हमारे पास एक तरीका था, क्या, पहले हम लिखते थे x की वैल्यू और फिर हम लिखते थे y की वैल्यू,
और उन्हें क्या कह दिया जाता था, एब्सिसा x के लिए और ऑर्डिनेट y के लिए, टुगेदर उनको एक साथ जब हम ब्रैकेट में रखते थे तो उसे हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट, राइट। अब यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इसी तरह से होने वाली है बेटा, कि आपने माइनस वन और जीरो को कुछ ऐसे ही ब्रैकेट में रखना है और आप इसे क्या कह देंगे, सॉल्यूशन, क्या कह देंगे, सॉल्यूशन, कि माइनस वन कॉमा जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ कौन सा, आपका ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी आप नेमिंग दे सकते हो, नेमिंग कैसे होगा, कुछ इस तरीके से कि मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया, उसे क्या दे दिया, राइट हैंड साइड में वन दे दिया। अब ए बी भी यूज कर सकते हो, वन टू थ्री भी यूज कर सकते हो, रोमन न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई आपको इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, राइट। सब समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं, तो क्या मैं इसे ग्राफ पे भी लगा सकती हूँ, यानी ग्राफ में हमें प्लॉटिंग करना आता है, कैसे करते हैं हम पॉइंट्स को प्लॉट। तो जब हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम आसानी से अपना ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो देखिए अब जब हम ग्राफ में करते हैं तो इसका एक और भी मतलब निकलता है, क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, याद करो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि ग्राफिकली क्या होगा, राइट। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करती हूँ, तो पॉलिनोमियल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस क्या बताया था, कि मैम कितने टाइम्स द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मेरा जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो कितने टाइम्स कट कर रहा है, वही क्या होता था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। अब आ जाते हैं, जीरो को हमने यहाँ पर क्या कह दिया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि माइनस वन कॉमा जीरो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, 5.2, राइट। अब मैंने 5.2 यहाँ पुट किया, लेट्स सी कि अगर ये क्या है राइट हैंड साइड देता है या नहीं बराबर। तो मैंने पुट किया 5 + 2 × 2 प्लस में 1, राइट। अब ये क्या देगा आपको, 5 + 4 प्लस में 1, दैट मींस 10। 10 तो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, राइट। नाउ व्हेन यू विल डू इट, जब आप इसको क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो आप ये देखोगे बेटा कि ये जो आपका ग्राफ है इस इक्वेशन का, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। याद करो बताया था कि जो भी आपका लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, वो ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ कोई और भी शेप ले सकता है, राइट। मैं आपको सिर्फ मतलब समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें क्या था कि इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये हुआ कि हर एक सॉल्यूशन, यानी हर वो x और y की वैल्यू जिस पर आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के, वो जो वैल्यूज होंगी वो इस लाइन पर ही होंगी। क्या होंगी, इस लाइन पर ही होंगे वो पॉइंट। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन का क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन होता है दैट एवरी सॉल्यूशन दैट इज, या मैं कहूँ एवरी सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, इट लाइज ऑन द लाइन, कि वो उस लाइन के ऊपर ही रहते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, और वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन पर ही रहते हैं। एंड यू कैन से वाइस वर्सा, जो जो पॉइंट्स इस लाइन पर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इस लाइन के सॉल्यूशन हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक लाइन पर कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, मैम इनफाइनाइट। तो दैट मींस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अंडरस्टैंड कि वो कैसे होते हैं, अगर मैं सिर्फ एक ही लाइन की बात करती हूँ तो उस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों, बिकॉज अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर। और बहुत सारे पॉइंट्स, अभी हमने पढ़ा कि हर एक पॉइंट क्या है, लाइन का सॉल्यूशन है। या मैं कहूं कि हर वो सॉल्यूशन जो कि इस लाइन का होगा वो इस लाइन पर ही होगा। समझ में आया इतना, चलो अभी हमें ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है।
इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनका क्या मतलब होता है एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं किस पे, अपने नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ। यहाँ पे टू वर्ड्स और जुड़ गए हैं, क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब पेयर पे बात कर लेते हैं। पेयर बताओ क्या होता है बेटा, पेयर से आप क्या समझते हो? दैट एग्जिस्ट इन टू, राइट? जैसे कि आपका ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो गया, है ना, द थिंग दैट एग्जिस्ट इन टू, वो जो पेयर में, यानी कि जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो ये भी कैसे हैं, टू में एग्जिस्ट करते हैं। एक्स और वाई जब तक नहीं है मेरे पास वैल्यूज, मैं उसे क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं कह सकती, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि दो इक्वेशंस होंगी, क्या होंगी, दो इक्वेशंस, राइट? अब हमें पता है कि जो आपका एक स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करा जाता है किसके किसके द्वारा, अ लीनियर इक्वेशन, राइट? जब मेरे पास दो इक्वेशन होंगी दैट मींस टू लाइंस होंगी, राइट? समझ में आया? दैट मींस अगर मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर मैं ए वन बी वन ले लेती हूँ, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये क्या हो गई बेटा आपके पास, ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। देखो मैंने वहां चेंज नहीं किया, राइट? वो सेम ही है। अब चेंज क्या किया, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, यहाँ पर ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इनके पास कोई कंडीशन नहीं है कि इनको सेम लेना है या नहीं लेना, ठीक है? तो ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ए बी सी ए वन बी टू, अपना कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब जब ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं, तो हम आ जाते हैं अब इसके मतलब पर। अब दो लाइंस का जो नेचर होता है या बिहेवियर होता है वो कितनी तरीका होता है, याद रखना वो होता है थ्री टाइप्स का, तीन तरह का नेचर शो करती है। क्या? टू स्ट्रेट लाइंस। कैसा? या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, राइट? एक दूसरे को कट कर देंगी, या वो एक दूसरे के क्या होंगी, कट नहीं करेंगी यानी पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे पर ही क्या है, कोइंसिडेंट करेंगी यानी एक दूसरे पर ही लाई करेंगी। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर ही होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है बच्चों? देखो अभी आपने समझा क्या कि लाइंस कितनी तरह का नेचर शो करती है जब आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं। टू स्ट्रेट लाइंस थ्री टाइप का नेचर शो करते हैं, इधर दे इंटरसेक्ट, दे डोंट, और दे ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। जब वो इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं यानी कि पैरेलल लाइंस, तो उन्हें कह देते हैं पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इतना समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल, अब ये यूज कहाँ होता है ना, हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन किस टाइप के दिए होंगे, क्वेश्चन आपको होंगे, कोई भी एक सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन को कहा जाता है क्या कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। जब वर्ड आ जाता है अलजेब्राइकली, अलजेब्राइकली का मतलब है कि हमें इस सिचुएशन से इक्वेशन निकालनी है, इस सिचुएशन, जो भी आपको सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन से आपने क्या है, एक इक्वेशन निकालनी है, और क्या आ जाएगा वो, अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन यानी एक्स और वाई की फॉर्म में। अगर उस लाइन को या उस सिचुएशन को आपने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया वो हो जाएगा ग्राफिकली मेथड। समझ में आया? चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो एक बर्गर खाया था, या मैं कहूँ हाँ एक बर्गर खाया और मैंने टू कोल्ड ड्रिंक्स पी, मैंने एक बर्गर खाया और टू कोल्ड ड्रिंक्स पी, राइट? आई एम राइटिंग हेयर वन बर्गर एंड टू कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक आपको कौन सी अच्छी लगती है? हम सारी अच्छी लगती है ना। चलिए तो मैंने इनका क्या किया, टोटल पे किया 300 रुपीज, राइट? मैंने इनका टोटल पे किया 300 रुपीज। अब इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली कैसे लिखा जाए, ये तो बहुत इजी है। कैसे? बस समझने की देर है। आप किसी भी शॉप पे जाते हो बेटा तो आप क्या करते हो, आप पूछते हो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर, वो कहते हैं कि आपका इतना है कॉस्ट, तो आप क्या करते हो, उतने रुपीज दे देते हो। अगर आप टू बर्गर्स लोगे तो उतनी मनी को टू से मल्टीप्लाई करके दे देते हो, या मैं सिंपल कहूँ आप क्या कर रहे हो, शॉप पे जाते हो,
आपने 5 रुपीज का एक पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट ले लिया, ठीक है, आपने अंकल को 5 रुपीज दे दिए, लेकिन अगर आपने 2 पैकेट लिए तो कितने रुपीज हो गए, 10 रुपीज, है ना। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया द कॉस्ट ऑफ वन बाय द आइटम्स आई बॉट, है ना, मैंने जितनी आइटम्स ली उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ वन से, सिंपल। तो चले यहां पर हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ बर्गर, कॉस्ट ऑफ बर्गर कितना है, रुपीज एक्स है, राइट, एंड द कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक मैंने क्या मान लिया बेटा कि इट इज रुपीज वाई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मतलब यही है ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने एब्रीवेशन यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, वन बर्गर तो कितने रुपीज हो गए टोटल, एक्स रुपीज हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वन बर्गर के बाद मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली, लेकिन कॉस्ट कितनी थी, वाई थी, तो टोटल रुपीज कितने हो गए, 2 वाई, और दोनों को एड किया तो मैंने टोटल कितने रुपीज दिए थे, 300, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया, इजी, वेरी इजी। चलिए इसी के साथ मैं क्या कर देती हूँ, एक और सिचुएशन ऐड कर देती हूँ, क्या कि मेरी फ्रेंड ने, या मैं कहूँ कि मेरे साथ आप लोगों में से कोई एक बच्चा था, उसने कहा कि नहीं मैम मुझे तो, मैंने 3 बर्गर्स खाने, आज मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है जी 3 बर्गर कर लेते हैं, 3 बर्गर्स खा लिए उसने, है ना, और क्या किया, 1 कोल्ड ड्रिंक ले ली, 1 कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो अब देखो उसका मैंने पे कर दिया, चलो 400 रुपीज पे कर दिया टोटल। अब इसे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल। कॉस्ट ऑफ द बर्गर पता है हमें एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक पता है वाई रुपीज, एंड टोटल कॉस्ट भी पता है। चलिए आते हैं वापस से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया बेटा, बर्गर की कॉस्ट थी एक्स, लिए कितने 3, तो टोटल कॉस्ट हो गई 3x। अब क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट थी y, यहां पर कितनी ली 1, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई y रुपीस, तो 3x plus y is equals to 400, समझ में आया बेटा, yes। So this is how your questions will be formed and framed, आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्या कि आपको इक्वेशंस में से निकालना है, क्या सिचुएशन दी है और उसमें से इक्वेशन निकाल लिया हमने और उसे क्या कर दिया, एक्स और वाई या वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, वेरिएबल। अब देखो क्या ये लीनियर है, यस बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल्स की जो आपकी पावर है वो कितना है, 1 है, ठीक है। अब 2 है तो पेयर बन गया, तो यस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, समझ में आया। एंड जब आप किसी सिचुएशन को क्या कर देते हो, एक्स और वाई या अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसे कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब क्या करो, आप इसके सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो यहां पर कर रही हूं मैं, मैंने क्या किया, 2 टेबल्स ड्रॉ की, मैंने क्या की, 2 टेबल्स ड्रॉ करी और यहां पर लिख दिया इक्वेशन को, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 300 और 3x plus y is equals to 400, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, राइट। अब देखो मैंने अगर क्या कर दिया, यहाँ पर आप कर सकते हो कैसे, बहुत इजी, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो x की और रिगार्डिंग में क्या कर दो, y की वैल्यू निकाल लो। मैंने अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 150। कैसे, देखो मैंने पुट किया 0, फिर 2y is equals to 300, तो यहाँ पर क्या आ गया, y is equals to 300 by 2, that is 150, समझ में आया, very good। चलिए अब हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी है कितना, y को मैंने अगर 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया तो x की कितनी आ गई, 300 आ गई, easy, समझ में आया। चलिए अब मैंने क्या किया, x को 100 पुट कर दिया, x को 100 पुट कर दिया तो क्या आएगा बेटा, देखो 100 plus 2y is equals to 300, यहाँ 100 कैसा है, positive, जब transpose होकर जाएगा दूसरी तरफ तो क्या बन जाएगा ये, 300 minus 100 and ultimately it will give you 200, और y की value कितनी आ गई बेटा, 100, यानी यहाँ पर हम mention कर देंगे 100, simple, समझ में आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी values निकाल लेंगे, ठीक है, x को 0 put किया तो आ गया y 400,
जब मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 3, और वो क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन पॉइंट्स में तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कैसे मर्जी भी इसको पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर क्या किया, वाई को 100 पुट कर दिया, y को 100 पुट किया तो ये इधर जाके ट्रांसपोज होगा कैसे, देखो 3x plus 100 is equals to 400, 3x equals to 300, कैसे, ये जब 100 इधर गया तो क्या आया 300, तो 3 से जब इसको कैंसिल किया तो ये भी क्या हो गया 300 का 100 बन गया, डिवाइडेड बाय 3 ना, तो x की वैल्यू आ गई 100। आप चाहो तो एक और भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट हाँ पॉइंट आपके क्या है, दो सफिशिएंट है टू ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, अपना ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको पता है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था कि हमने क्या किया, पूरे के पूरे ग्राफ को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, टू लाइंस के हेल्प से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, इक्वल स्पेसिंग से हमने उसको नेम दे दिया। एक्स एक्सिस के जो नंबर है वो नीचे लिखे जाएंगे और जो वाई एक्सिस के हैं वो लेफ्ट में लिखे जाएंगे, ठीक है। और जहां पर क्या है, दोनों ही कोऑर्डिनेट जीरो वैल्यू देते हैं, वो कैसे होंगे, उसे कहा जाएगा ओरिजिन, क्लियर है इतना। अब हमने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन को पहले लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 150, फिर 300 0 100 100। वी कैन इजीली प्लॉट दीस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड व्हेन वी विल ड्रॉ इट तो हम ये देखेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बेटा अबव आपने क्या लिखना है, उसको आप बहुत लंबा ड्रॉ करेंगे एंड यू विल पुट द एरोज ऑन बोथ द एंड्स, बिकॉज आपको पता है क्या लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, क्लियर है। अब लाइन को लिखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा बना है, लाइन को लिखने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके ऊपर लिखना है क्या इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी, यानी इससे पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन मेरी इसकी बनती है तो हम क्या लिखेंगे, x plus 2y is equals to 300, क्लियर है। नाउ अगर मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया और मुझे कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, ऐसी लाइन मिलती है, तो ये लाइन हो गई किसकी, सेकंड की, तो इसके ऊपर लिख दिया 3x plus y is equals to 400। अब देखो ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट मींस कि इन दोनों लाइंस के पास एक कॉमन कोऑर्डिनेट है और वो तो हमें टेबल में भी दिख रहा है, राइट, दैट इज 100, 100, 100, 100, समझ में आया। दैट मींस ये लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, राइट, समझ में आया बेटा, वेरी नाइस। चलिए तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग आवर क्वेश्चंस, जो कि आपको क्या है एक्सरसाइज में गिवन है, क्या सिचुएशन गिवन है, वहां से क्या फ्रेम करेंगे आप इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और जब इक्वेशन है उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग आउट द कोऑर्डिनेट्स। हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए, वहां से कैलकुलेट किया, ग्राफ ड्रॉ करा, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर डूइंग द चैप्टर 3 एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनी डाउट देन यू लेट मी नो प्लीज, थैंक यू।